इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और आरती दिखाएंगे। अब 12 नहीं बजा, अब 12:01 हो गए। तो 12 कितनी देर के लिए बजा? केवल 1 सेकंड। और एक तमाशा देखें, ये घड़ी की तीनों सुइयां 12 का नंबर छोड़ के चाहे जिस पर पहुंच जाए वो ना बजेगा। अच्छा, 10 में तीनों सुई पहुंच जाए तो क्या 10 बजेगा? अरे तीनों सुई 3 में पहुंच जाए 3 बज जाएगा। अरे तीनों सुई 9 में पहुंच जाए तो 9 बज जाएगा। लेकिन पूरा कभी नहीं बजेगा, है ना जादू? अच्छा, तीनों सुई 11 में पहुंच जाए तो 11 बजेगा। लेकिन तीनों सुई 12 में पहुंच जाए तो 12 ही बजेगा और कुछ न बजेगा। इसलिए भगवान राम और कृष्ण का जो जन्म है ना, और ठीक 12। अब 12 क्यों? इसलिए कि भगवान कहते हैं, देखो ये जो 3 सुइयां है ना, ये सुई नहीं है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि संसार की संपूर्ण सृष्टि ये फिरत सदा माया कर प्रेरा, अपाल कर्म स्वभाव गुण, त्रिगुण में बधा है। तो त्रिगुणातीत उस समय आएगा जब तीनों गुण सम शांत हो जाएंगे। क्योंकि भगवान त्रिगुण से बने नहीं है, ना उनमें सतोगुण है, ना उनमें रजोगुण है, ना उनमें तमोगुण है। तो त्रिगुणातीत जब आएगा तब 12 बजे ही आएगा। इससे जैसे ही 12 बजा तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा
भगवान के गोवर्धन की पूजा होगी और कल
पड़ेगी कि रुक्मणी मैया का विवाह भी होगा, क्योंकि सातवें दिन कथा समाप्त नहीं है करना चाहते, छठवें दिन ही भागवत के हम सुदामा जी का चरित्र सुना देंगे। सुदामा जी के चरित्र के पश्चात सातवें दिन हम नौ योगेश्वर एकादश स्कंद के 54 अध्याय की कथा बची है, जो कहीं नहीं सुनाई जाती है, लेकिन हम सुनाएंगे। सुदामा चरित्र के बाद भागवत समाप्त नहीं होती, इस परंपरा को हम समाप्त करने के लिए आए हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अपने